Hi everyone, welcome back to my channel. So after a long time, actually मैं थोड़ा busy हूँ, बहुत ज़्यादा busy हूँ, थोड़ा busy नहीं हूँ. So इसकी वजह से मैं एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, मैं एक भी वीडियो बना नहीं पाई कि लाइक टाइम का बहुत कमी है. सो इसकी वजह से आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ एक फेस पैक जो होम मेड पैक है. और एक्चुअली वो गर्मी के वजह से वो टैन हो जा रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो उसके वजह से फेस पे टैन हो गए. सो वो फेस पैक इंस्टेंट ग्लो देता है एंड जस्ट टू रिमूव द टैन. मैं आज वो पैक आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो मैंने अपना हेयर टाई कर लिया है अच्छे से. एक्चुअली बाल टाई रहे तो अच्छे हैं, ताकि यू नो लाइक मेसी ना हो. सो अभी मैं करने वाली हूँ फेस वॉश, क्योंकि ये पैक जो है मैं अधिकतर रात को ही लगाती हूँ, बिकॉज सारे दिन बिजी रहती हूँ, काम पे रहती हूँ. सो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाते हैं. सो ये पैक रात को ही लगाना बेस्ट लगता है मुझे. एंड देन सो बिफोर दैट हैव टू वॉश द फेस. सो अभी मैं फेस वॉश कर रही हूँ. फेस वॉश मैं अभी थोड़ा चेंजेस लाई हूँ फेस वॉश में, बिकॉज क्या ना कि एक्चुअली जब नॉर्मली फेस वॉश करते हैं ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं वॉश करने के लिए, फटाफट ऐसा 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 लगाए और वॉश कर लिए. सो ये क्या ना, मैंने एक हैंकी लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट है हैंकी, ये हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है. सो इसके ऊपर मैं फेस वॉश डाल के उसके बाद मैं रब करूँगी और इस तरीके से मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करूँगी. लाइक पहले तो स्क्रब इन द सेंस नॉट लाइक वेरी हार्ड, वेरी सॉफ्टली, ताकि आपको आपका फेस को इरिटेट फील ना हो. सो इस तरीके से अगर आप फेस वॉश करते हो तो फेस बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे. सो मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज आई लाइक इट, और मुझे ऐसा फील होता है कि ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी होते हैं ना, तो आप अगर अच्छे से फेस वॉश करते हो तो बहुत अच्छे क्लीन होते हैं. सो हाथ से अच्छे से हो नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एक हैंकी या सॉफ्ट कपड़े से आप स्क्रब टाइप यूज़ करो. सो अभी जो मैंने टॉवल लिया है इसको मैंने भिंगा लिया है अच्छे से, गीला है ये, और इससे मैं अपने फेस को पहले गीला करूँ, क्योंकि फेस को गीला करने से आप फेस वॉश आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ेंगे और अच्छे से फेस पे रब होंगे. क्योंकि अगर ड्राई फेस पे अगर आप फेस वॉश करोगे तो वो अच्छे से वॉश नहीं होंगे. सो मैंने यहाँ पे अपने फेस को गीला कर लिया है, अब मैं इसके ऊपर अपना फेस वॉश डालूंगी. सो आई यूज़ द स्टिल सेम फेस वॉश विच आई बींग फ्रॉम इंडिया. सो मैंने अपना फेस वॉश यहाँ पे ले लिया, और मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती, बस थोड़े सा. उसके बाद आपको इस तरीके से, तो पहले आप पूरे फेस पे लगा लो. और आप देख सकते हो इसका थोड़ा सा झाग बनना स्टार्ट हो गया है, और इस तरीके से आप अपने फेस पे रब कर सकते हो बहुत सॉफ्टली, जेंटली, बिकॉज बहुत सारे स्किन ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं. सो इसके लिए आप ज़्यादा रब नहीं कर सकते हो हार्डली, ये बहुत ही सॉफ्ट है. और इस तरीके से साफ़ करने से ना, सीरियसली मैं ये काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, बिकॉज बाहर इतना गर्मी है, धूप है, और आप थोड़े वॉक करते हो तो वो क्या होते हैं, पोल्यूशन, धूलें आके फेस पे रहते हैं. सो आप इस तरह से अगर फेस वॉश करो ना तो फेस साफ रहते, क्लीन रहते हैं, टैन ज़्यादा नहीं पड़ते हैं. सो आप इस तरह से साइड पे भी इस तरह से घिस लेना, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट रब करो. ज़्यादातर तो ये नोज़ के पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब स्वेटिंग होता है ना तो ये यहाँ पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं ज़्यादातर ये समर में. सो इस तरह से मैंने अपना फेस को अच्छे से रब कर लिया, आप देख रहिए. आपके नीचे भी अच्छे से साफ कर लेना है, लास्ट में मैं लिप्स के ऊपर भी रब करूँगी. इससे लिप भी बहुत क्लीन होते हैं, जो ड्राई स्किन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. सो आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने फेस को क्लीन कर लिया है. अब ये मैं नेक के पास भी कर लूँगी, दोनों साथ में करें तो साफ रहेगा. अभी मेरा फेस अच्छे से
रब हो गया है अभी, मैं इसे अपने फेस को रिंस कर लिया है, अब मैं इसे ट्राई कर मेरा फेस यहाँ पे ड्राई हो गया है अभी मैं, मैंने यहाँ पे 1 स्पून योगर्ट लिया है, बस 1 स्पून ही लेना है, ज़्यादा नहीं, खट्टा दही लेना है। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा, मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा ही हल्दी लिया है, बिकॉज ज़्यादा हल्दी भी फेस पे अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है स्किन थोड़ा ज़्यादा ड्राई कर देते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करो, अगर लिमिट में करो तो कुछ नहीं है। अभी मैं इसके अंदर, मैंने हाफ लेमन ले लिया है, अभी मैं इसके अंदर ये स्क्यूज कर दूंगी। अच्छे से ये हाफ नींबू को, लेमन को ले लेना है। यार मैं जितने भी अच्छे से बोलने का कोशिश करूँ ना, मेरा अपना भाषा आ ही जाता है इसमें। मैंने इसके जूस अच्छे से निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो। अभी इसको मिक्स करना है। आप इस तरह से इसका, इसको मिक्स कर दो पेस्ट को। ये इसका पेस्ट बन के रेडी है, अभी मैं इसे फेस पे लगाऊंगी। मैं पैक लगा लूँगी, मैं स्पून की हेल्प से लगा लूँगी, मुझे हाथ को नहीं टच करना है बिकॉज मैं काम करती हूँ और इस तरह से हाथ अगर फिंगर्स येलो दिखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे ना। इसके लिए ब्रश है नहीं मेरे पास, मुझे ब्रश लेने पड़ेंगे। आप इस तरह से इसको अच्छे से पैक लगा लो, ये आप वीकली 2 बार लगा सकते हो। एंड एक बार ना, मेरे बाल तो आ ही जाते हैं फ्रंट पे, आप एक बार अगर आपके पास कोई भी फेस पैक है, जो प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के, ये तो होममेड हो, कोई भी ब्रांड के, आप वो फेस पैक आप एक बार वीकली लगा लो और इसको 2 बार लगा लो, यू विल नॉट बिलीव कि आपका फेस कितने मेंटेन रहेंगे और आपको टैन जरा सा भी महसूस नहीं होंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे पास वक्त नहीं है, मैं एटलीस्ट फेस पैक लगाते रहती हूँ, और जब वक्त मिलता है तो मैं पूरे फेस को, क्योंकि फेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस तरह से आपको पूरे फेस पे लगा लेने हैं। और ये मेरे बाल तो आ रहे हैं, हेयर्स छोटे छोटे फ्रंट पे है ना, तो इस तरह से आ जाते हैं। और अदरवाइज आप ग्लव्स भी डाल सकते हैं, बट अभी ग्लव्स किधर है पता नहीं मुझे, तो मैं अपना टाइम ही वेस्ट करूँगी। मैंने इस तरह से पूरा लगा लिया। एक्चुअली मैं थोड़ा इसको फिंगर से सेट कर सकती हूँ, बस नेल नहीं टच करूँगी, क्योंकि नेल येलो हो जाते हैं ना तो बहुत गंदा दिखते हैं। ये बहुत ही अच्छे पैक हैं। और इसमें क्या टैन रिमूव करते हैं पता है, इसमें जो मैंने लेमन डाला है ना वो, एंड योगर्ट, बहुत अच्छे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं एक दिन करके आपको पता चलेगा, इसे कंटिन्यूसली रखो, पता चलेगा कितने क्लीन होते हैं। मैंने ये पूरा फेस पैक, एक्चुअली ये गिर रहा है थोड़ा, ये सूखने के बाद ठीक हो जाएंगे, बट इसे पूरा आपको निकालने हैं एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स यू हैव टू कीप, बिकॉज आप कुछ भी लगा उसको थोड़ा वक्त दोगे तभी वो अपने काम करेंगे। अब देख येलो हो ही गए मेरे, मैं इसे क्लीन कर लूँगी। आपको ये 20 to 30 मिनट्स आपके पास जितने टाइम है आप रख सकते हो, मैं इसे 20 to 30 मिनट में रखूँगी, उसके बाद मैं इसे रिंस कर दूँगी। बाय द टाइम मेरे पास बहुत काम है घर साफ करने, वो मैं पूरे करके तब तक मेरे हाफ एन आवर में पूरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं रिंस करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका ग्लो कैसा है। ग्लो इन द सेंस लाइक स्टेंट ग्लो इसके आते हैं, क्लीन होते हैं। और ये अगर रात को आप लगाते हो तो नाइट को आप इसका बेनिफिट ये होता है कि नाइट को अगर आप लगाओगे ना तो बाहर निकलने नहीं होते, आप आराम से फेस पैक लगाओ, वॉश करो, अपना जो भी आपका रूटीन है, क्रीम या सीरम लगाओ, आराम से सो जाओ, सुबह उठ के ना ये आपको कितने अच्छे चमकेंगे फेस, लाइक शाइनिंग बहुत अच्छे दिखते हैं। आई मीट यू आफ्टर सम टाइम्स। ये नीचे आ रही, और आप देख सकते हो मैंने फेस वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया अच्छे से, कितना साफ हो गया। ये थोड़ा हल्दी हल्दी दिखते हैं बिकॉज इसमें टर्मरिक है, बट ये जब आप फेस वॉश करोगे फिर मॉर्निंग को तो ये निकल जाएंगे, बट मॉर्निंग को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अगर रात को करते हो, रात को कहीं जाना नहीं है, आप मॉर्निंग को नॉर्मल सब अपने रिंस कर सकते हो एंड क्रीम लगा लो, फिर ये हल्दी के जो दिखते हैं ना वो निकल जाएंगे। फेस अभी मेरा क्लीन हो गया है, अभी मैं एक्चुअली थोड़ा ड्राई लग रहा है, अभी मैं सीरम लगा लूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।